हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये HP के 136W प्रिंटर की कार्टेज है, जो इसके नंबर है 110A। ये 110A नंबर की कार्टेज है। आज इसको रिफिल करेंगे। तो रिफिल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ के साइड के वाले ढक्कन को खोल लेंगे। इस तरह से ये ढक्कन पे लॉक लगे रहते हैं, तो इन ढक्कनों को दोनों साइड के ढक्कनों को खोल लेंगे। इसी तरह से इस साइड के ढक्कन को भी खोल लेते हैं। इस तरह से दोनों साइड के ढक्कन खुल जाएंगे इसके, और ये बुश भी निकल गया है इसका। इसको लगा देंगे फिर बाद में। और फिर यहाँ पर भी लॉक रहता है, तो यहाँ से भी इस तरह से निकालेंगे दोनों साइड से। और इस तरह से इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट में तो ड्रम रहता, ड्रम और मैग्नेट रहता है। एक पार्ट में PCR और ब्लेड, वाइपर ब्लेड। और ड्रम को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। और फिर जो ये मैग्नेट वाला पार्ट है, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और इसको मैग्नेट को घुमा के देख लेंगे, मैग्नेट सही तरीके से चल रही है। अब इसमें ये वाला पाउडर डालेंगे, जो इसमें नॉन मैग्नेटिक पाउडर डलता है सैमसंग का, तो ये पाउडर को इसमें डालेंगे। तो इसको पहले तो अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अब इसको यहाँ से इस तरह से फाड़ लेंगे, और फिर इसमें कुपी लगा देंगे। कुपी लगाने के बाद कार्टेज में इस साइड पे जो ढक्कन रहता है, इस ढक्कन को हटा लेंगे। इस तरह से ढक्कन को खोल लेंगे, और ढक्कन को खोल के यहाँ से पाउडर भर देंगे इसमें। इस तरह से पूरा पाउडर यहाँ से भर जाएगा इसमें। और इस तरह देखिए, पूरा पाउडर भर गया, फुल भर गया। अब इसका वापस से ढक्कन लगा देंगे, इस ढक्कन को लगा देंगे वापस। ये कंप्लीट ये काट है, तो पाउडर भर गया है। इसकी मैग्नेट को और घुमा के चेक कर लेंगे। अच्छी तरह से पाउडर आ रहा है इसमें, कंप्लीट है। अब इसको तो रखेंगे साइड में। अब ये वेस्टिंग पार्ट है, इसमें वेस्टिंग भर जाती है। तो इस तरह से इसके PCR को खोल लेंगे पहले तो। और फिर जो इसकी वाइपर ब्लेड है, इसके दोनों स्क्रू खोल के इसमें जो भी वेस्टिंग भरी हुई है, उस वेस्टिंग को बाहर फेंक देंगे। इस तरह से ब्लेड को निकाल लेंगे, और जो भी इसमें ये वेस्टिंग भरी हुई है, इस वेस्टिंग को निकाल देंगे। इस तरह से सारी वेस्टिंग को निकाल लेंगे। वेस्टिंग निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, और ब्लेड को भी साफ करके इसमें लगा देंगे वापस से। वापस से ब्लेड के दोनों स्क्रू को कस देंगे। इस तरह से दोनों स्क्रू कसने के बाद इसकी मैग्नेट को, ये PCR को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, और वापस इसको भी सेट कर देंगे इसमें। इस तरह सेट हो जाएगा। फिर इसको भी घुमा कर चेक कर लेंगे, अच्छी तरह घूम रहा है।
अब इसके बाद इसके ड्रम को लगाएंगे, तो ड्रम को भी साफ कर लेते हैं। और ड्रम को यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे और इस रोड को आगे खिसका देंगे। इसके बाद दोनों पार्टों को सेट करेंगे, इस तरह से ये सेट हो जाएगा। अब इसमें ये जो साइड के ढक्कन है इनको लगाएंगे, तो इसका ये बुश निकला था तो इस बुश को यहाँ लगा देंगे और फिर ये वाला ढक्कन को यहाँ लगा देंगे। इस तरह से इसको बिठा के बिठा देंगे इसको, और फिर जो ये ड्रम वाली रोड है इसको सही तरीके से सेट करेंगे। इसको घुमाकर यहाँ पर लॉक कर देंगे। देखिए सही तरीके से बैठ चुकी है। और फिर दूसरी साइड का ढक्कन को लगा देंगे। ये दूसरी साइड का ढक्कन भी लग गया है। इस तरीके से ये अपनी कार्टेज रिफिल हो चुकी है कंप्लीट। इसके ड्रम को घुमा कर चेक कर लेंगे। ड्रम देखिए दोस्तों आसानी से घूम रहा है। तो इस प्रकार हम कार्टेज को रिफिल कर सकते हैं। और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।